हेलो नमस्ते आदाब, दिस इज शिरीष कुंभार। बच्चों अगर फिजिक्स के वीडियोस चाहिए, फिजिक्स का कंटेंट चाहिए, अगर क्वेश्चंस पेपर चाहिए और नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए और आपको वहां से कंटेंट मिल जाएगा। केमिस्ट्री के अच्छा कंटेंट चाहिए तो अनिरुद्ध सर के वीडियोस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ध्यान दीजिए बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। ठीक है, चलिए। कल हमने देखा था कैलकुलेशन में कैसे प्रोपोगेट होती हैं एरर्स, कि हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन अगर किया तो किस तरह से एरर प्रोपोगेट होती हैं। फिर उसके बाद में हम देख रहे हैं कि हमारा अगर ये स्क्रू गेज है तो उसमें कैसे एरर मेजरमेंट लिया जाता है, रीडिंग कैसे ली जाती है, कि उसका मेन स्केल यानी कि लीनियर स्केल पर रीडिंग कितना होगा, सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितना होगा। फिर उसके बाद में हमने ज़ीरो एरर देखे थे और उसमें दो टाइप के ज़ीरो एरर आ गए थे। एक होता पॉजिटिव ज़ीरो एरर, यानी कि वो ज़ीरो की जगह पॉजिटिव वैल्यू यानी ज़्यादा वैल्यू दिखा रहा है, और दूसरा है नेगेटिव ज़ीरो एरर, यानी कि वो ज़ीरो की जगह कम वैल्यू करके दिखा रहा है। तो फाइनली हमने बोला था कि कोई भी ऑब्जर्व रीडिंग, एक्चुअल रीडिंग अगर लिखा जाएगा तो वो होगा ऑब्जर्व रीडिंग माइनस ज़ीरो एरर, माइनस ज़ीरो एरर। तो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, यहाँ पर माइनस लिखेंगे और एरर को अपने साइन के साथ लिखेंगे। तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, तो ये ऑब्जर्व रीडिंग में से जो एक्स्ट्रा था वो माइनस हो जाएगा। और अगर नेगेटिव जीरो एरर है तो नेगेटिव जीरो एरर का तो वैल्यू माइनस में होगा, तो यहाँ माइनस और वहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जो एक्चुअल रीडिंग यहाँ पर बन जाएगा वो हो जाएगा ऑब्जर्व रीडिंग माइनस एक्सेस रीडिंग, चाहे वो पॉजिटिव जीरो एरर हो चाहे नेगेटिव जीरो एरर हो। नाउ द क्वेश्चन कम्स वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर के लिए अब देखते हैं, ये दिख रहा है ना आपको जो पीडीएफ मैंने डिस्प्ले किया हुआ। ओके, तो चलिए, तो वर्नियर कैलिपर में अगर देखें, वर्नियर कैलिपर को देखते हैं तो इसमें देखें कि यहाँ पर एक मेन स्केल होता है, एक वर्नियर स्केल होता है। अच्छा, वर्नियर कैलिपर देखा है क्या आपने, बोलो? नहीं देखा है? रुको, अच्छी बात यह है कि मैं अपनी स्क्रीन डिस्प्ले कर सकता हूँ। सबसे पहले तो मैं वर्नियर दिखा देता हूँ आपको। दिख रहा है ना वीडियो यूट्यूब वाला? ये देखो, ये यहां पर ये जो दिख रहा है, कर्सर मूव करता हुआ दिख रहा है आप लोगों को कर्सर? हाँ, तो ये देखो यहाँ पर ये जो है इसको जॉ कहा जाता है। ये वाला जो सेंड है यानी कि ये जो लेफ्ट एंड है ये फिक्स्ड है, और जो ये राइट एंड है ये मूवेबल है, ये मूवेबल है। यहाँ पर ये गोला दिख रहा है ना, ये सर्कल दिख रहा है ना यहाँ पर, तो इस पर क्या है, यहाँ पर अंगूठा रखते हैं और धीरे धीरे इस अंगूठे को यहाँ से रोल करते हैं। तो इसको जब रोल करेंगे तो इससे जुड़ा हुआ पार्ट है ये वाला, इसका जॉ, इसका जो मूव है ना, ये फेस है ना, ये जो है ये इसके साथ मूवेबल होता है। अब मूवेबल होगा तो अब हम रीडिंग लेंगे, तो इसके देखना भी अब ये करेगा, इसको इसमें फिट कर देते हैं। तो ये कर दिया, इसको यहाँ फिट कर दिया, और अब देखो कहाँ गया। ये देखो यहाँ पर, इसमें हमने यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट फिट कर देना है, ऑब्जेक्ट फिट कर देना है, तो अब रीडिंग जो ली जाएगी वो यहाँ पर ली जाएगी, इस सेक्शन पे ली जाएगी। ठीक है, और अब रीडिंग पर आते हैं कि रीडिंग ली कैसे है। तो देखो, अब डायग्राम समझ में आया क्या हुआ? ठीक है ना, ये वाला जो है वो नॉन मूवेबल है, इतना ये वाला पार्ट, ये पार्ट इज फिक्स्ड एंड दिस पार्ट इज मूविंग, ये पार्ट जो होता है वो मूविंग होता है। ठीक है, मूविंग पार्ट। अब देखो कि यहां पर अलग स्केल बना हुआ है और इस पे ऊपर वाले पे अलग स्केल बना हुआ है, तो इसे कहा जाता है मेन स्केल। जो मूविंग नहीं है, जो स्टेशनरी है, फिक्स्ड है,
उसे कहा जाता है मेन स्केल, और जो मूविंग है इसे कहा जाता है वर्नियर स्केल। यहाँ देखेंगे आप अगर, तो इसमें दोनों पे अलग अलग मार्किंग हो रखी है। देखो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से ऊपर कुछ अलग मार्किंग हो रखी है इधर, और उसी तरीके से यहाँ पर नीचे वाले स्केल पर भी कुछ मार्किंग आपको दिख रही है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले स्केल से भी रीडिंग लेंगे और नीचे वाले स्केल से भी रीडिंग लेंगे, और उन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम लेंगे वर्नियर स्केल की रीडिंग। उन दोनों के कॉम्बिनेशन से वर्नियर स्केल की रीडिंग लेंगे। तो देखो ये तो फिक्स जॉ था, ये रहा मूवेबल जॉ, ये रहा वर्नियर स्केल, और ये रहा मेन स्केल। तो जब ऑब्जेक्ट को फिट कर दिया तो मैं देखता हूँ मेन स्केल में रीडिंग कितनी आ गई। तो वो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यानी आप देख सकते हो मेन स्केल में 10 डिवीजन इसने क्रॉस कर दिया है। तो मेन स्केल की जो रीडिंग लिखी जाएगी, वो होगी 10 डिवीजन, और एक डिवीजन है 1 mm का, तो इसकी मेन स्केल रीडिंग हो जाएगा 10 mm। ठीक है, मेन स्केल की रीडिंग हो जाएगा 10 mm। अब बात करते हैं वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे ली जाए। तो हम क्या करेंगे, इसके ये देखेंगे, ये जो नीचे वाले जो मार्किंग हो रही है ना वो देखेंगे, और हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है कि ये वाला देखना कि वर्नियर स्केल की मार्किंग, ये जो नीचे वाली मार्किंग हो रही है और ऊपर वाली मार्किंग हो रही है, वो कौन सी वाली मैच हो रही है ये देखने के लिए। तो मुझे कौन सी मैच होती हुई दिख रही है, ये मुझे मैच होती हुई लगभग ये दिख रहा है, दिखा क्या, ऑलमोस्ट मैच होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद वाला अगर थोड़ा सा जूम कर लेता हूं आपको दिख जाएगा, थोड़ा शिफ्टेड है वो, देखा क्या, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में शिफ्टेड। तो अभी मुझे क्या दिख रहा है कि ये वाला मैच कर रहा है, तो कितना हो गया 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो सिक्स्थ डिवीजन वर्नियर स्केल रीडिंग अगर लिखें, वर्नियर स्केल रीडिंग ये आ चुकी है 6th डिवीजन, और यहां पर जो फाइनल रीडिंग लिया जाएगा यानी कि ऑब्जर्व्ड रीडिंग ये लिया जाएगा मेन स्केल रीडिंग, प्लस वर्नियर स्केल, रीडिंग लिखा जाए। तो मेन स्केल का तो बन चुका है 10 mm। अब वर्नियर स्केल के मुझे बताएं 6 डिवीजन है। अब मुझे मालूम नहीं है कि एक डिवीजन का क्या करेंगे, तो मैं बताता हूं अभी, वो हो जाता है 6 into least count, 6 into least count आ जाता है। अब यहां पर लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना और स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, और वो देखते हैं कैसे करा जाए। ठीक है, वो देखते हैं कैसा किया जाए। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि लीस्ट काउंट जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है 1 मेन स्केल डिवीजन MSD माइनस 1 VSD। और इसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू 9 मेन स्केल डिवीजन, सवाल में ही दे दिया जाए। ठीक है, आपको सवाल में ही दिया गया है कि 9 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, और अगर ऐसा इन्फॉर्मेशन दे दिया गया तो मैं देख सकता हूँ वर्नियर स्केल डिवीजन कितना आ गया, 1 VSD इज इक्वल्स टू 9/10 MSD। मेन स्केल डिवीजन तो कितना था, एक डिवीजन की वैल्यू 1 mm थी, तो ये आ गया 9/10 mm। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो लीस्ट काउंट की जो वैल्यू बनी वो आया 1, और मेन स्केल डिवीजन बनता है 1 mm माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, और वो कितना आ गया 9/10 mm। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 1/10 mm। तो लीस्ट काउंट की जो वैल्यू बनी हुई है वो आ चुकी है 1/10 mm, यानी कि 0.1 mm। तो फाइनली जब हमें रीडिंग लेना था तो हम क्या लिखेंगे, देखना 10 mm तो मेन स्केल और 6 into least count, और लीस्ट काउंट बताओ कितना बना, 0.1। तो यहां से बन जाएगा 10.6 mm बन जाएगा। इस तरीके से हम इसकी रीडिंग ले पाएंगे। मैंने ऐसा आपको अभी तक नहीं बनाया कि रीडिंग क्यों ऐसा ले रहे हैं, है ना, अभी तो बस ये बता रहा हूँ कि ऐसे ली जाती है वर्नियर स्केल की रीडिंग। अब ऐसे क्यों ली जाती है थोड़ा पहले समझ लेते हैं ये, फिर उसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तब बता दूंगा। तो देखिए ये देखिए, यहाँ पर अगर रीडिंग लेना है तो ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10
फिर ये 20, 21, 22, 23, 24 यानी कि मेन स्केल की रीडिंग कितना आ गया बोलो, 24 डिवीजन आ गया। ठीक है, अब वर्नियर स्केल पर आते हैं, तो वर्नियर स्केल के लिए देखते हैं, तो ये आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये सेवंथ वाला मैच होता हुआ दिख रहा है, तो वर्नियर स्केल की रीडिंग कितना आ गया, 7 डिविजन आ चुका है। तो अगर मुझे अब थिकनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट लिखना है तो मैं लिखूंगा 24 mm प्लस कितना हो जाएगा, 7 × लीस्ट काउंट, तो ये आ गया 24 mm और 7 और लीस्ट काउंट अभी हमने कैलकुलेट किया था कितना आ गया था, 0.1 mm, तो ये आ गया 24.7 mm, तो फाइनली जो आंसर बना हुआ है 24 और ये 0.7 mm बन चुका है। ठीक है ना, कोई डाउट है क्या? ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि ये मतलब समझे ना सब कुछ, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैं बात करता हूं कि हाँ, तो अब मैं बात करता हूँ कि ये लीस्ट काउंट हमने ऐसा ही क्यों लिखा, मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन ही क्यों लिखा। तो चलिए एकदम बेसिक से देखते हैं कि मैं देखता हूँ यहाँ पर इसकी अगर देखा जाए मेन स्केल की कितनी रीडिंग आ रही है बोलो, थर्टीन एम एम आ रही है। तो और इस डब्बे की जो ये लेंथ है क्या ये 13 mm है या उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है। तो मैं मान लेता हूं कि लेंथ अगर लिखा जाए तो ये लिखा जा सकता है 13 mm प्लस थोड़ा सा ज्यादा, तो वो थोड़े से ज्यादा को मैंने x लिख दिया, वो जो यहां से छोटू सा गैप बना हुआ है मैंने उसे x लिख दिया। ओके, नाउ आप देखते हैं क्या हुआ कि यहां से ये मैच करता हुआ पाया गया, कौन सा नंबर, 1, 2, 3 नंबर मैच करता हुआ पाया गया। तो भूल जाओ हम वर्नियर पढ़ रहे हैं, मैं सिंपली स्केल स्केल का काम देखूं तो मैं ये कह सकता हूं यहां से यहां तक की लंबाई, यहां से यहां तक की लेंथ और यहां से यहां तक की लेंथ, क्या ये सेम बनी रहेगी या अलग अलग होगी? सेम रहेगी, मतलब भूल जाए हम वर्नियर हैं, कुछ भी हो, कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ। मुझे दिख रहा है कि ये वाले मार्किंग बराबर है, तो मैं देख सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक के मार्किंग की लंबाई और यहाँ से यहाँ तक के मार्किंग की लंबाई बराबर होगी। ठीक है ना, तो अगर ये बराबर होगी तो मैं ऊपर वाले डिवीजन देखता हूँ कितना हो गया, बताओ यहाँ पर कितना हो गया, कितने डिवीजन हो चुके हैं, 16 हो गए, 13 तो यहाँ थे, 14, 15, 16, तो मैं लिख सकता हूँ 16 mm, ये तो ऊपर की लेंथ लिखी, अब नीचे की लेंथ लिखता हूं। तो नीचे की लेंथ में देखना कौन है, ये तो एक तो डब्बे की लंबाई है, ठीक है, डब्बे की लंबाई कितनी लिखा था, वो मैंने एल लिखा था, प्लस साथ में कितने हैं, 1, 2, 3 डिविजन ऑफ वर्नियर स्केल, 3 वर्नियर स्केल डिविजन, देख लो कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब देखते हैं यहाँ पर मैं अगर लेंथ ये लिखता हूँ, लेंथ की वैल्यू हमने पता है ये 16 mm, तो ये बना लेंथ की वैल्यू आ गई है 13 mm प्लस x, l की वैल्यू जो थी वो थी 13 mm प्लस x, फिर साथ में था 3 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो मैं मुझे अल्टीमेटली चाहिए क्या, मुझे x चाहिए ताकि अपनी लेंथ निकाल पाए, तो मैं इधर रीअरेंज करता हूँ थोड़ा सा, तो x की वैल्यू देखो कितना बना, 13 mm लेफ्ट हैंड साइड गया तो यहाँ पर हो जाएगा 3 mm और 3 VSD लेफ्ट हैंड साइड गया तो माइनस हो जाएगा 3 VSD, तो यहाँ देखना 3, ये mm तो क्या था, मेन स्केल डिवीजन था ना, माइनस यहाँ क्या था, ये 3 वर्नियर स्केल डिवीजन था, तो ये 3 कॉमन लिया और यहां आ गया बोलो MSD माइनस VSD। और अब समझिएगा यहां पर हमारे पास जो लेंथ की रीडिंग अब बन गई वो 13 mm, तो वो बनी गई प्लस x, तो x कितना आ गया, वो आ गया 3 MSD माइनस 3 VSD। तो अब देखिए, अब मैं बताता हूं आपको कि
इसमें कौन सा वाला रीडिंग मैच कर रहा था, थर्ड वर्नियर स्केल की रीडिंग से मैच कर रहा था, तीसरा वाला मैच कर रहा था ना यहाँ पे 1 2 3। तो यहां से आप देख सकते हैं ये जो 3 था ना, ये जो 3 था वो बन चुका है वर्नियर स्केल रीडिंग। और ये MSD माइनस VSD ये अब काम आने वाला है लीस्ट काउंट के तौर पर। तो अब इस फंडे की मदद से हम समझ चुके हैं कि किस प्रकार से वर्नियर स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब मैं हमेशा वर्नियर स्केल में रीडिंग जो लिखता हूँ वो ऐसा ही क्यों लिखता हूँ, मतलब मैं ऐसा ही क्यों लिखता हूँ कि जो रीडिंग लिया जाएगा अब वो लिखता हूँ मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। और लीस्ट काउंट की जो वैल्यू बन गई थी हमारे पास अभी हमने देखा वो आ गया था MSD माइनस VSD। तो अब इसको रटने की जरूरत नहीं है, हमने इसको एकदम फंडामेंटली समझ लिया है कि वर्नियर स्केलिपर जो है वो ऐसा ही क्यों लिखा जाता है, कि यहाँ पर अपने पास मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट क्यों लिखते हैं। आप समझ में आया बोलो? अरे बोलना पड़ेगा ना, ये सवाल करो देखो, इसका ये देखो ये आपको दे रखा है इंफॉर्मेशन वर्नियर स्केल का, ये जीरो पे था अब ऑब्जेक्ट फंसा दिया बीच में, तो इसकी रीडिंग बताइए क्या होगा, इसकी रीडिंग बताइए क्या बोलो बच्चा। मेन स्केल का कितना आ रहा है बताओ, यहाँ पर जो ऑब्जर्व्ड रीडिंग लिखा जाएगा, ऑब्जर्व्ड रीडिंग वो लिया जाएगा मेन स्केल, मेन स्केल में कितना आ गया 10 11 12 13 14 15 आ गया, तो 15 mm तो मेन स्केल की रीडिंग आ गया। प्लस वर्नियर स्केल के लिए देखें तो कितना आ गया, कौन सा मैच करता हुआ दिख रहा है, जूम करूं क्या मैं, छठा मैच करता हुआ दिख रहा है ना, सिक्स नंबर मैच करता हुआ दिख रहा है। तो ये आ गया 6 इंटू लीस्ट काउंट, और लीस्ट काउंट को 0.1 अपन कैलकुलेट कर ही चुके हैं, तो ये आ गया 15.6 mm एंड दैट इज द फाइनल आंसर। देखिए 15.6 mm। अगला सवाल आप देखिएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा, ये इंफॉर्मेशन का यूज करना है। चलिए देख 13.6। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां पर लीस्ट काउंट काउंट कर लेता हूं, तो वो क्या लिखा जाएगा, 1 MSD माइनस 1 VSD। तो MSD कितना बना हुआ है वो है 20 वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 19 इतना बना हुआ है। तो मैं बोल देता हूँ कि 20 VSD इज इक्वल टू 19 MSD। तो यहाँ से VSD बना है 19/20 MSD, और मेन स्केल डिवीजन देखो कितने का है, वो 1 mm का है। तो यहाँ से ये बन चुका है, दिस इज 1 mm माइनस 1 VSD इज इक्वल टू 19/20, और VSD कितना है वो है mm, मतलब
समझ में आ रहा है क्या लिखा? तो ये आ जाएगा 1/20 mm दिख रहा है, और इसको अगर लिखें तो ये दिख रहा है मुझे 0.05 mm आ गया। सही लिखा ना मैंने 0.05। तो अब इसकी रीडिंग की बात कर लेते हैं। तो देखो मेन स्केल में तो आ गया 13 डिवीजन, तो मेन स्केल के तो आ गया है 13 mm। प्लस वर्नियर स्केल की बात करता हूँ, तो ये यहाँ पर देखो डॉटेड लाइन सी बना रखी है, तो इसी को ले लेंगे, तो वो कितना आ रहा है यहाँ पर 10 दिख रहा है, 12 दिख रहा है क्या? तो 12 × 0.05, तो ये 13.6 आ गया, 13.6 mm आ गया। तो फाइनल आंसर इज 13.6 mm। ठीक है, अब सिग्निफिकेंट फिगर आपने अगर पढ़ा हो तो 13.60 लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम डेसिमल के सेकंड प्लेस तक श्योर हैं। ठीक है ना, तो 13.6 mm, 60 mm हो जाएगा। ठीक है, तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी डाउट, अगर हो तो जल्दी बोलो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वही वाली बात आ गई जीरो एरर वाली, इसमें भी दो टाइप के एरर होंगे, जीरो पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर में रीडिंग ज्यादा होके दिख जाती है या कम होके दिख जाती है? जीरो की जगह ज्यादा हो जाती है, तो फाइनल में से माइनस करेंगे या कम करेंगे, ऐड करेंगे? माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा करके दिखा रहा है तो वो माइनस करना पड़ेगा। अब दूसरी बात कि अगर मैं नेगेटिव जीरो एरर में बात करता हूं तो वो जीरो की जगह ज्यादा करके दिखाएगा या कम करके दिखाएगा? कम करके दिखाएगा। तो फाइनल रीडिंग में हमें क्या करना पड़ेगा? ऑब्जर्व रीडिंग प्लस समथिंग कम करना पड़ेगा। तो अब देखिए यहां पर मैं देखता हूं, इसको ध्यान से देखो। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं फंसा होता, अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं फंसा होता, तो ये जो मेन स्केल का जीरो और ये वर्नियर स्केल का जीरो जो कि ये जॉ लाइन से दिखता है, वो बिल्कुल सेम जगह पर होते। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो जॉ लाइन वाला जो जीरो है वो कहां है? थोड़ा सा राइट में शिफ्टेड है, दिख रहा है क्या? जूम करूं क्या मैं? एक मिनट को बड़ा करके दिखाता हूं। देखो देखा क्या कि मेन स्केल का जीरो लेफ्ट में है और ये जो जॉ वाली लाइन है वो राइट में है, और अगर सब कुछ सही रहता तो वो दोनों लाइन मैच होनी चाहिए थे। आप ऊपर वाले में देख लीजिए, ये देखो दिखा ना कि अगर सब कुछ सही रहता तो ये लाइन परफेक्टली मैच करती। लेकिन इसमें हम देखें तो यहां पर क्या हो रहा है कि मेन स्केल का तो लेफ्ट में है और वर्नियर स्केल राइट में शिफ्टेड है। इसका मतलब जहां पर हमने ऑब्जेक्ट नहीं रखा था, रीडिंग जीरो आनी चाहिए थी, उसकी जगह वर्नियर स्केल ने कुछ रीडिंग दिखा दी, और वर्नियर स्केल की रीडिंग लिया जाता है, मैं देखता हूं कौन सा वाला मैच कर रहा है, तो मैच कौन सा कर रहा है? 1, 2, 3, थर्ड वाला मैच कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो जीरो एरर यहां पर लिखा जाएगा वो बन जाएगा 3 और वर्नियर स्केल डिवीजन, 3 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो यहां पर अपने पास ये जो है 3 डिवीजन बन चुके हैं, तो उसका कितना बन जाएगा? ये 3 × लीस्ट काउंट, तो ये आ चुका है 3, और लीस्ट काउंट की वैल्यू 0.1, और ये आ चुका है 0.3 mm। यानी कि फाइनल रीडिंग जो ऑब्जर्व रीडिंग होगी उसमें हमें माइनस करना पड़ेगा, किसको? 0.3 को माइनस करना पड़ेगा। तो रीडिंग ले भी लेते हैं, तो देखो 10, 11, 12, 13 तो मेन स्केल हो गया, वर्नियर का बताओ कितना आ रहा है? वर्नियर की रीडिंग कौन सी आ रही है? 8 आ रही है क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आ रही है। तो 8 × लीस्ट काउंट, और लीस्ट काउंट है 0.1, तो ये आ गया 13.8। तो ये क्या फाइनल रीडिंग हुई हमारी? माइनस करना पड़ेगा 0.3, तो आप देख लो 13.5 वुड बी द फाइनल आंसर, 13.5 इज द फाइनल आंसर। अब इसमें आप बताइए कितनी एक्सेस रीडिंग दिखा रहा है, की एक्सेस रीडिंग दिखा रहा है ये 1, 2, 3, 4, 5, और ये 6th वर्नियर स्केल की रीडिंग आ चुकी है। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग है 6 और इसका लीस्ट काउंट है 0.1, तो ये आ चुका है 0.6 mm। तो आप देख सकते हैं, अब ध्यान से सुनना कि यहां पर
एक्सिस रीडिंग कैसे पता लगी कि भाई ये पॉजिटिव जीरो एरर है या नेगेटिव जीरो एरर, कि भाई साहब यहाँ पर जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं था उसके बावजूद भी वर्नियर स्केल राइट में शिफ्टेड है। आप देख सकते हो ना कि ये दोनों जीरो मैच करने चाहिए थे, मैच नहीं कर रहे हैं, अभी यहाँ पर ये राइट में शिफ्टेड है, तो इसीलिए इसे पॉजिटिव जीरो एरर कहा गया। अब इसकी रीडिंग लेके बताओ कितना आ रहा है। मेन स्केल में कितना बना बताओ, 14 बना है, तो मेन स्केल का तो आ गया 14, आप देख सकते हैं 10, 11, 12, 13, 14, तो 14 डिवीजन तो उसके आ गए, तो 14 mm मैंने लिख दिया। वर्नियर के बताइए कितना है, 6 बना हुआ है, तो 6 × 0.1, लेकिन ये ऑब्जर्व्ड है, फाइनल में क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा जीरो एरर यानी कि 0.6, तो ये आ गया 14.0 mm, ठीक है ना। और अब यहां पर देखिए इस सवाल को पहले पढ़िएगा, सवाल को पढ़ लीजिए फिर आते हैं इस डायग्राम पर। यहां पर ये कह रहा है मेन स्केल की रीडिंग -1 है, -1 कौन सी रीडिंग होने लग गई, मतलब स्केल तो अपना लेंथ दिखाता है, ये -1 कौन सी रीडिंग होने लगी। दोबारा बोलो, थोड़ी सी लेफ्ट में है। इनफैक्ट जब कभी भी हम देखो, यहां पर मैं आपको वापस याद दिलाता हूं, जब कभी भी हम रीडिंग लेते हैं तो हम क्या करते हैं कि कहां पर मेन स्केल का ये खत्म हुआ है, फिर उसके बाद में थोड़ा सा गैप के लिए हम वर्नियर स्केल के पास में आते हैं। तो मेन स्केल की ये जो पहले वाली रीडिंग हम लेते हैं, फिर उसके बाद में वर्नियर स्केल का कौन सा वाला मैच कर रहा है वो देख रहे होते हैं। तो यहां पर 14 बन चुका था प्लस 6 × 0.1 बन गया था। अब यहां देखो कि जब मुझे इस सिचुएशन में मुझे देखना है कि इसकी रीडिंग क्या है, तो मैं क्या करूंगा, देखना कि यहां पर अगर 0, 1, 2, 3, 4, 5 राइट में था, तो यहां पर आपको इमेजिन करना पड़ेगा 0 के लेफ्ट में -1 रहा होगा, लेफ्ट में -2 रहा होगा, ऐसे समझे गया, इमेजिन कर रहे हैं नहीं। और ऐसा क्यों इमेजिन कर रहे हैं, क्योंकि मुझे इस वर्नियर की रीडिंग लेनी है। तो आप देखते हो कि हमेशा वर्नियर की रीडिंग देखने के लिए मैं क्या करता हूं, जस्ट वर्नियर स्केल से लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा वाला मेन स्केल का डिवीजन था, तो यहां पर कौन सा आ गया बताओ लेफ्ट हैंड साइड में, जस्ट -1, समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहां से मेन स्केल की जो रीडिंग आई है वो है -1 mm, और वर्नियर स्केल डिवीजन की रीडिंग देखो कितनी आ गई, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इंटू लीस्ट काउंट, तो वो 6 पॉइंट, तो ये आ गया है -0.4 mm। तो ये जो एरर बना है, कौन सा एरर बना, पॉजिटिव जीरो एरर या नेगेटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर, यहां पर कि हमें जीरो की जगह कुछ माइनस वैल्यू दिखा रहा है, तो ये नेगेटिव जीरो एरर बन गया। अभी मैं फाइनल रीडिंग में देखूंगा तो क्या करूंगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट, ऐड करूंगा, तो देखना यहां पर रीडिंग ले लेते हैं, तो कितना आ गया मेन स्केल का बताओ, 11 mm, प्लस वर्नियर स्केल का बताओ, ये आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आता हुआ देख रहे, तो 8 × 0.1, तो ये 11.8 तो ऑब्जर्व रीडिंग है, एक्चुअल में के लिए माइनस करना पड़ेगा जीरो एरर, और जीरो एरर है कितना, वो है जीरो -0.4, तो ये 12.2 आ चुका है, 12.2 mm, दैट इज द फाइनल आंसर, 12.2 mm बन चुका, समझे। तो हमने इस तरीके से जीरो एरर भी देख लिया, हमने पॉजिटिव जीरो एरर भी देख लिया और नेगेटिव जीरो एरर भी देख लिया। अब हमारे पास में कई सारे सवाल बनेंगे, मैं इस पीडीएफ को अपलोड कर रहा हूँ जस्ट आफ्टर द क्लास, आप इन सवालों को एक बार करिए एंड यू विल गेट द आइडिया कि कैसे उन्हें सॉल्व किया जाएगा। अब कई सारे एक्सपेरिमेंट बनेंगे,
कई सारे एक्सपेरिमेंट बनेंगे, जैसे पेंडुलम की मदद से ग्रेविटेशन जी की कैलकुलेशन की जाएगी। तो मुझे पता है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π√L/g, तो जी को इस तरह से लिखा, फिर ln ले लिया, तो मेरे पास क्या बना, ln ऑफ जी इज इक्वल टू ln ऑफ 4π² प्लस ln ऑफ एल प्लस ln माइनस ln ऑफ t². अब वही कर देते हैं, डिफरेंशिएट किया तो dg by g, ये तो कितना आ गया 0, ये कितना आ गया dl by l, और ये कितना आ गया -2 times dt/t। ये तो मैथ्स हुई, एरर में क्या हो जाती है, चीज़ें जुड़ जाती हैं एरर, तो ये प्लस हो जाएगा। तो मुझे अगर एरर इन जी चाहिए, ये चाहिए, तो यहाँ पर ये सभी इंफॉर्मेशन सवाल में दे रखी है, यूज़ करेंगे और बन जाएगा। तो ये जो एक्सपेरिमेंट के सवाल होंगे उसको लेके डरना नहीं है। कभी यंग्स मॉडुलस की मदद से सवाल दे दिया जाएगा, है ना, जैसे ये बना हुआ है कि बोला गया है कि यहाँ पर सिरलिस, इसको सिरलिस मेथड कहा जाता है, यंग्स मॉडुलस वाला जो एक्सपेरिमेंट है सिरलिस मेथड कहा जाता है। यहाँ पर मैं बोलता हूँ ये क्या है, स्ट्रेस है, इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस टाइम्स चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, यानी कि स्ट्रेन। स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, ठीक है। अभी अपने को निकालना है, इसकी निकालना है कि एक्स्ट्रा इलॉन्गेशन वगैरह कितना है, फलाना फलाना, यंग्स मॉडुलस से निकालना होगा इसमें। अल्टीमेटली अपने को इसको देख के डरना मत, है ना, बड़ा सिंपल है, सिंपली सिर्फ अपना वही बना हुआ है यंग्स मॉडुलस का, यानी कि स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस टाइम्स स्ट्रेन। तो यहाँ पर दिया है एक्स्ट्रा एक्सटेंशन डेल्टा एक्स ऑफ द वायर 1 मीटर इज सस्पेंडेड ऑन टॉप ऑफ रूफ एट 1 एंड विद एक्स्ट्रा लोड डेल्टा डब्ल्यू। इफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर इज इतना, कैलकुलेट यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर। तो मैं क्या बोलता हूँ, स्ट्रेस बराबर यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन होता है। तो यहाँ से लिख सकता हूँ कि स्ट्रेस इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन, ठीक है। तो स्ट्रेन स्ट्रेस के लिखा जा सकता है, वो होगा फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस, यहाँ पर डेल्टा एक्स अपॉन इनिशियल लेंथ एल नॉट। इनिशियल लेंथ इसकी 1 मीटर दे दी गई है। फोर्स के बारे में यहाँ पर ये ग्राफ दे दिया गया है, कहाँ है, डेल्टा डब्ल्यू का, ठीक है। तो ये अपना जो यंग्स मॉडुलस बनेगा, ये ग्राफ कितना बना हुआ है, डेल्टा एल अपन ने लिया हुआ है वाई एक्सिस पर और डेल्टा डब्ल्यू अपन ने लिया हुआ है एक्स एक्सिस पर। तो देखो ये अपन ने लिया हुआ है एक्स एक्सिस पर और ये जो लिया हुआ है ये वाई एक्सिस पर लिया हुआ है। तो स्लोप समझ में आया, क्या समझ में आया, यहाँ पर क्या होगा, बोलो। ये स्लोप जो है वही स्लोप इस इक्वेशन का, इस स्ट्रेट लाइन का बनेगा, और स्लोप की वैल्यू हम यहां से 2 पॉइंट से निकाल सकते हैं और वो होना चाहिए एल नॉट अपॉन ए वाई। तो यहां से अपने पास यंग्स मॉडुलस की वैल्यू बन जाएगी। बोलो, ओके। अभी ऐसे कई सारे सवाल आपको मिलेंगे जिसमें सिरलिस मेथड का यूज किया जाएगा, उसमें यंग्स मॉडुलस की कैलकुलेशन आपको करवाई जाएगी। तो डरना नहीं है, सीधा सवाल पे आओ, इस एपरेटस को देख के डरना मत, है ना, छोड़ दो इसको, सीधा सवाल पर आओ, अपने आप तुम्हारे बनेंगे, ठीक है। और ज्यादा टेंशन मत लेना, अपने आप ही समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सीधे सवाल करोगे, डरोगे नहीं, अपने आप हो जाएगा। और ये आपका काम है, PDF में आपको अपलोड कर दूंगा एंड आप कर लेंगे, मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है। एंड मैं आपको एक सवाल पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ, ये रहा ITJEE क्वेश्चन नंबर 29। इस सवाल को करिए, कहाँ गया, ये रहा, अरे एक मिनट, कहाँ गया सवाल, सॉरी, ये रहा क्वेश्चन नंबर 29 को करिए।
समझ में आ रहा है ना सवाल? चलिए मैं बताता हूँ। पहले हमें दिया गया है दो टाइप के वर्नियर कैलिपर दिए गए हैं, वो है C1 और C2। C1 के बारे में बताया गया है, C1 के लिए मैं इधर लिखता हूँ और C2 के लिए मैं इधर लिखता हूँ। C1 के बारे में हमें दिया गया है 10 डिविजन्स ऑफ दैट करस्पॉन्ड टू 9 मेन स्केल डिविजन, यानी कि 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD, ऐसा सवाल हमें दे दिया गया है। ठीक है, C2 के बारे में क्या दिया कि 10 इक्वल डिविजन्स ऑफ मेन स्केल, आंसर इसका 29 का बी है, बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो हो गया क्या, नहीं बताना क्या, बता देता हूँ बाई चांस, कोई दिक्कत हो तो। C2 के बारे में बताता हूँ, C2 के बारे में दिया है कि C2 हैज 10 इक्वल डिविजन्स दैट इक्वल टू 11 मेन स्केल डिविजन, यानी कि 10 VSD इज इक्वल टू 11 MSD। हमें आदत किस बात की है कि वर्नियर स्केल डिवीजन ज्यादा हो मेन स्केल डिवीजन से। यहां पर हमने क्या बोल दिया, वर्नियर स्केल तो 10 है और मेन स्केल 11 है, तो वर्नियर स्केल डिवीजन बड़ा हो गया, तो यहां पर एक अलग तरीके से रीडिंग ली जाएगी। तो पहले मैं कन्वेंशनल जो आसान है वो कर देता हूं, इसकी C1 में देख लेते हैं। तो कितना आ गया, ये 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो 2.8 mm है ना, यही बना हुआ है ना, 2.8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर था ना ये, 0.2 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो ये 2.8 सेंटीमीटर तो यहाँ बन गया मेन स्केल की रीडिंग, और मैं वर्नियर स्केल की बात करता हूँ तो ये कहाँ मैच करता हुआ दिख रहा है, ये दिख रहा है मुझे मैच करता हुआ, तो 5, 6 और 7, तो 7 into लीस्ट काउंट यानी कि 0.1, तो ये कितना आ गया 2. ये mm है ना, ये mm है। एक काम करते हैं ना, इसको भी mm में कर लेते हैं, टेंशन ही खत्म हो गई। सेंटीमीटर में देखता हूँ कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा 28 mm हो जाए प्लस 0.7, तो ये आ जाएगा 28.7 mm, और सेंटीमीटर में लिखें तो 2.87 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो इसका मतलब C1 की रीडिंग तो अपनी आ गई। नाउ C2 के लिए हम क्या करेंगे, जिस लॉजिक की मदद से हमने वर्नियर स्केल को समझा था वो हम देख लेते हैं, जिस लॉजिक की मदद से हमने वर्नियर स्केल को समझा था वो हम देख लेते हैं। तो देखना, मुझे क्या चाहिए, मुझे ये कहीं यहाँ पर जीरो रहा होगा, तो जीरो से यहाँ तक की जो गैप है, जीरो से यहाँ तक का जो गैप है वो L होगा, और वही मुझे चाहिए, जीरो से यहाँ तक का जो गैप होगा वो L होगा और वही मुझे चाहिए। तो सबसे पहले मैं ढूंढता हूँ कि मैच कौन सा कर रहा है, तो मैच करता हुआ पाया गया 5, 6, 7, ये मैच करता हुआ दिख रहा है, तो मैं लिख सकता हूं यहां से यहां तक की लंबाई इज इक्वल्स टू यहां से यहां तक की लंबाई। सिंपल लॉजिक है, समझे क्या मेरी बात को, तो मैं देख सकता हूं कि यहां पर ये जो लेंथ लिखी जाएगी नीचे वाली, ये लिखी जाएगी लेंथ L, यहां से यहां तक तो L हो गया,
और यहाँ से यहाँ तक कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, तो ये मैंने टोटल लेंथ लिख दिया है L प्लस 7 VH3। अब ऊपर के पास आता हूँ, तो ऊपर के पास देखो कितना हो गया, ये कितना है, ये 2 है ना, ये 3 होना चाहिए ना, ये 3 होना चाहिए, 2 3 4 होगा ना, 3 होना चाहिए ना, यहाँ पर भी 3 होना चाहिए, मिस प्रिंट है। तो अब देखो ये कितना हो गया, ये 3 डिवीजन, 3 सेंटीमीटर यहाँ, फिर 3.1 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर, 3.3 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर, और mm में कितना हो जाएगा, 36 mm हो जाएगा। सब कुछ mm में कर लेते हैं अभी, तो अभी L प्लस 7 VSD। अब VSD कैसे निकालें, तो मेरे पास है 10 VSD इज इक्वल्स टू 11 MSD, कितना था 1 mm, जिसका मतलब VSD इज 11 अपॉन 10 mm, यानी कि 1.1 mm। तो ये आ चुका है 7 इंटू VSD, यानी कि 1.1 mm इज इक्वल टू 36 mm। तो L इज इक्वल टू 36 माइनस 7.7, तो ये कितना आ रहा है, ये 7 गया तो ये 3.9, और उसमें से भी 7 गया तो 2.83 दिख रहा है ना, 2.83 सेंटीमीटर, सही लिखा क्या मैंने, हाँ कितना आ गया, 2.83 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन अगर देखेंगे तो बी बनेगा। तो देखिए ये वाला जो C1 था, ये बिल्कुल वही है जो हमने पढ़ा था, इसे कहा था कन्वेंशनल, कन्वेंशनल मेथड, और ये है अनकन्वेंशनल, जिसमें कि वर्नियर स्केल डिवीजन बड़ा है और मेन स्केल डिवीजन छोटा है। तो सर आपने ये जो तरीका अपनाया वो मतलब ऐसे कैसे क्लिक करेगा, तो बच्चा ये वाला तरीका है ना, ये इसकी फंडामेंटल है, वर्नियर कैलिपर का फंडामेंटल है कि इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। आप देख सकते हो ना यार, लेंथ बराबर लेंथ करा था हमने, अब इससे बेसिक, इससे फंडामेंटल चीज और क्या बता सकता हूं। तो चाहे आपका कन्वेंशनल हो चाहे आपका अनकन्वेंशनल हो, लेंथ बराबर लेंथ करने के तरीके से आप हमेशा हमेशा सॉल्व कर सकते हैं। और ये वाला जो तरीका है ये सिर्फ और सिर्फ तभी काम करेगा जब कन्वेंशनल हमारा वर्नियर कैलिपर होगा, यानी कि 10 VSD, यानी कि VSD हमारा VSD की वैल्यू छोटी होगी एज कंपेयर टू MSD। समझ रहे हैं क्या मैं क्या कहना चाहता हूं? ओके, तो इस तरीके से हम निकाल पाएंगे इसके रीडिंग्स वर्नियर कैलिपर की। तो इसी के साथ में हमने देखो, हमने कैलकुलेशन देख लिया, यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में किस तरह से एरर प्रोपोगेट होती है। फिर उसके बाद में हमने वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज को अच्छे से समझ लिया है। बाद में कुछ एक्सपेरिमेंट्स होंगे, उनके सवाल जब तक आप खुद से नहीं करेंगे आपको नहीं समझ में आएगा, और वो सवाल करने के लिए मुझे ये PDF में आपको अपलोड कर दूंगा, एंड तब आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब मैं आता हूँ सिग्निफिकेंट फिगर पर। हाँ, ये ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है बोलो। ओके, तो सिग्निफिकेंट फिगर पे आते हैं। तो मैं करता हूँ, पहली चीज ऑल नॉन जीरो नंबर्स जो हमारे होंगे, डिजिट्स होंगी, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, किसी नंबर की All non-zero digits are significant। ठीक है, दूसरी बात, अपने पास all trapped zeros are significant। ऑल नॉन जीरो, जैसे मैंने कर दिया 1 2 3 4, ये कोई नंबर है 1234, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स पाई जाने वाली हैं 1 2 3 4। अगर ऑल ट्रैप जीरोस की बात कर रहा हूं, जैसे हमारे पास हो गया 10101, तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बताइए, 5 सिग्निफिकेंट है कि हमारे पास नॉन जीरो, तो कितने बने 111, यानी कि 3 तो ये बन गए,
और ट्रैप्ड मतलब हो गया कि इसके आसपास में नंबर हो, नॉन जीरो नंबर, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, जीरो और जीरो भी सिग्निफिकेंट बन जाएगा। अब मैं बात करता हूं ऑल लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ 011, इस तरह से कुछ लिख दिया, तो इसके कितने सिग्निफिकेंट होंगे, तीन होंगे। देखो वन और वन तो है ही, ये बीच में फंसा हुआ जीरो भी है, लेकिन ये वाला जो जीरो है वो नहीं है। ऑल लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। और इसमें ऑल लीडिंग में अगर मैं चाहूं तो इसमें चाहे डेसिमल हो या ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं 0.0532, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो गए बताओ, तीन हो जाएंगे, तीन। जी बिल्कुल, ये हो जाएंगे तीन हो जाने वाले। तो अपने पास ये जो बना हुआ है कौन है, ये 0.0532 है, और ये जो लीडिंग बन गए ना, इसके बीच में, इसके इधर साइड में कोई नंबर नहीं है, तो ये लीड कर रहे हैं नंबर को, तो ये जो बन जाएगा ये क्या हो जाएगा, नॉट सिग्निफिकेंट। यानी कि अपना डेसिमल हो चाहे डेसिमल ना हो, अपने जो लीडिंग जीरोस होंगे वो नॉट सिग्निफिकेंट बनेंगे। अब मैं बात करता हूं ट्रेलिंग जीरोस मतलब बाद वाले जीरो, तो इसमें भी आता है, दो केस बन जाते हैं, इफ डेसिमल इज नॉट देयर, यानी कि अपने पास मैंने मान लिया 5010, तो अगर डेसिमल नहीं है तो ये बन जाएगा ट्रेलिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, यानी कि यहां पर कितने सिग्निफिकेंट पाए जाएंगे, तीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स पाए जाएंगे। अगर मैंने कर दिया इफ डेसिमल इज प्रेजेंट, तो अपने पास में ये जो ट्रेलिंग जीरोस बन जाएंगे वो हो जाएंगे सिग्निफिकेंट, तो ट्रेलिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट। तो इसके लिए मैं देखता हूं, मैंने कर दिया लेट्स से 5.010, तो यहां पर अगर मैं लिखता हूं कि 5.010 में अपने पास 5 एंड 1 तो अपने क्या बन गए, सिग्निफिकेंट बन गए, लेकिन ये जीरो जो बीच में फंसा हुआ है वो भी क्या हो गया, सिग्निफिकेंट बन गया। अब सिंस ये डेसिमल है तो इसका मतलब ये वाला भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट बनेगा, तो यहां पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स पाई जाएंगी, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमारे को दिखने वाली है। अगर मैं इसको लिखता हूं 0.005020, कितनी सिग्निफिकेंट है, 4 है। ये तीनों तो नहीं है, और इसमें देख सकते हो 5 और 2 तो है ही, ये जीरो बीच में फंसा है तो वो भी है, और डेसिमल, इसलिए डेसिमल होने की वजह से ये क्या हो गया है, सिग्निफिकेंट बन चुका है, तो ये बन चुका है 1, 2, 3, 4, तो 4 सिग्निफिकेंट। अगर मैं यहां लिखता हूं 5050102 और एक और जीरो, कितनी सिग्निफिकेंट बन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 सिग्निफिकेंट है। आप देख ही सकते हो ना, ये जो एंड वाला है वो तो ट्रेलिंग है, डेसिमल तो यहां था नहीं, तो इसको तो हटा दो, है ना, तो ये तो सिग्निफिकेंट बचा नहीं, बाकी जो भी जीरोस हैं बीच में फंसे हुए तो वो क्या हो जाएगा, वो सिग्निफिकेंट बच जाएंगे, और बाकी नॉन जीरो जो भी नंबर होते हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे, तो इसका मतलब बाकी बची हुई सारी चीजें क्या हो जाएंगी, सिग्निफिकेंट हो जाएंगी। अगर मैं लिखता हूं 0
0.00535302 कितना आ गया बताओ इसमें सिग्निफिकेंट कितना होगा 5 होने वाले हैं ये पहले वाले सिग्निफिकेंट नहीं होंगे लीडिंग वाले सिग्निफिकेंट नहीं बनते हैं तो अपने पास बन जाएंगे दिस इज 5 सिग्निफिकेंट ठीक है और कौन सा रूल बचा है अपना हाँ एक वो बचा हुआ है यूनिट कन्वर्जन वाला फॉर एग्जांपल ये मैं अगर लिखता हूँ 5 सेंटीमीटर अगर लिखा जाए है ना 5 सेंटीमीटर अगर लिखा जाए और अगर मैं देखता हूँ इसको मैं mm में लिखता हूँ है ना इसको mm में लिखता हूँ तो ये mm में कितना हो जाएगा 50 mm ठीक है और अगर मैं इसको लिखता हूँ मीटर में तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा 0.05 मीटर हो जाएगा ठीक है इस तरह से बन जाएगा तो अभी इन दो सभी जगह देख लो अभी यहाँ देख लो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट है 1 है इसमें कितनी सिग्निफिकेंट है 1 है और इसमें कितनी सिग्निफिकेंट है 1 है सॉरी तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है बहुत ही बढ़िया है सभी में सिग्निफिकेंट डिजिट्स अपनी 1 बनी हुई तो यूनिट कन्वर्जन से सिग्निफिकेंट डिजिट्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है जितनी है उतनी की उतनी रहेगी अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जिसमें कि चेंज होती भी दिखेंगे अब मैं लेता हूँ मैंने लिया 4.01 मीटर ले लिया है ना 4.01 मीटर ले लिया तो अगर मैं इसे सेंटीमीटर में डालता हूँ तो वो कितना हो जाएगा 4.01 × 100 × 100 सेंटीमीटर मैंने कर दिया तो ये कितना आ गया ये आ गया 401 सेंटीमीटर दिख गया मुझे ठीक है तो यहाँ पर अपने पास कितनी बनती हुई दिख रही है ये अपने पास बन जाएंगी 3 सिग्निफिकेंट दिख रही है और यहाँ पर भी अपने को 3 सिग्निफिकेंट दिख रही है तो ध्यान रखिएगा जब भी यूनिट कन्वर्जन होगा तो सिग्निफिकेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं लिखता हूँ 4.700 मीटर लिख दिया मैंने 4.700 मीटर लिख दिया मैंने और अगर मैं इसका यूनिट कन्वर्जन करता हूँ सेंटीमीटर में डाल दिया तो कितना आ जाएगा ये 4 सेंटीमीटर में करा ना तो ये आ जाएगा 4.70 सेंटीमीटर ठीक है और अगर मैं इसको एक और मिलीमीटर में डाल देता हूँ तो ये कितना आ जाएगा 4700 मिलीमीटर दिख जाएगा समझ रहे हो क्या बात को अब सिग्निफिकेंट नंबर देखते हैं अपन ना सबके सिग्निफिकेंट देखते हैं तो इसमें सिग्निफिकेंट कितने दिख रहे हैं बोलो 4 सिग्निफिकेंट दिख रहे हैं इसमें सिग्निफिकेंट बोलो कितने दिख रहे हैं ये अपने पास क्या बनेगा 470.0 तो डेसिमल के बाद वाला जो भी अपने जो ट्रैप्ड नहीं है ये जो एंड वाले बन जाएंगे ये क्या हो जाएंगे नॉट सिग्निफिकेंट बन जाएंगे और यहाँ पर भी अपने पास कितने बन जाएंगे नॉट सिग्निफिकेंट बन जाएंगे तो यहाँ पर ये सिग्निफिकेंट नंबर क्या हो रहे हैं चेंज होते जा रहे हैं क्या दिख रहे हैं सिग्निफिकेंट नंबर चेंज होते जा रहे हैं लेकिन हमें पता है कि यूनिट कन्वर्जन में सिग्निफिकेंट नंबर चेंज नहीं होता तो हम क्या करेंगे जब कभी भी यूनिट कन्वर्जन करेंगे ना तो जो गिवन नंबर दे रखा था ये दे रखा था आपको सॉरी इतना 4.700 मीटर दे रखा था तो अगर मुझे यूनिट कन्वर्जन करना है ना तो मैं क्या करूंगा इसको अगर मुझे मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं करूंगा 4.700 बिल्कुल वैसा ही रखा × 10^3 मिलीमीटर कर दिया × 10^3 मिलीमीटर कर दिया तो ये जो सिग्निफिकेंट अपने यहां पर नंबर आप देखेंगे ना सिग्निफिकेंट नंबर अगर आप यहां देखेंगे ना तो ये पावर वाले नंबर सिग्निफिकेंट में नहीं आते हैं अपने को यही जो चीजें हैं वही सिग्निफिकेंट दिखाएंगे समझ रहे हो क्या मेरी बात को अच्छा एक चीज मुझे लगता है आपने गलत बोला यहां पर 2 सिग्निफिकेंट नहीं होंगे यहां 4 होंगे ये जो डेसिमल वाली है ना वो डेसिमल के इधर वाली भी तो काउंट करते हैं तो ट्रेलिंग जीरोस में डेसिमल है तो वो काउंट किया जाएगा तो ये अपने पास सिग्निफिकेंट बन जाएंगे तो यहां पर देखो यहां पर 2 सिग्निफिकेंट यहां पर 4 सिग्निफिकेंट गड़बड़ हो गया तो सिग्निफिकेंट को ठीक करना है तो हम क्या करेंगे हमेशा ये साइंटिफिक नंबर लिखेंगे ये जो 10^10 में लिखा जाता है ना साइंटिफिक नंबर में लिखा जाता है तो अगर
मुझे इसे कन्वर्ट करना है, कोई यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो मैं सिंपली करूंगा 4.700, इसको तो छेड़ा ही नहीं, और मीटर को किलोमीटर में डालना है, तो मैं क्या कर दूंगा 10^-3 किलोमीटर डाल दूंगा। आप देख सकते हो कहीं से कहीं तक कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। और अगर मुझे इसको डालना है मिलीमीटर में, तो क्या कर लूंगा 4.700 जैसा था वैसा का वैसा ही, और यूनिट चेंज मैंने इस तरह से साइंटिफिक नंबर में कर दिया मैंने, ओके। अब बात करते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह की। तो पढ़ लेंगे क्या अपन, है ना, पेज नंबर 29 पर अपने को दे रखा है एनसीईआरटी में, पेज नंबर 29, तो उसमें पढ़ लेना है, बड़े अच्छे से दे रखा है, मुझे लगता नहीं कोई ऐसा दिक्कत आएगी, और अगर दिक्कत आती है तो पूछ लेना आप, ओके। तो अभी अपना एरर खत्म हो जाता है, मेजरमेंट खत्म हो जाता है। अगला जो चैप्टर होगा वो मैं सोच रहा हूँ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के लिए, ठीक है, दैट वुड बी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में किसी टॉपिक में दिक्कत है क्या, ताकि उस पर ज़्यादा ध्यान दें किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर? ओके ओके, ठीक है ठीक है। लेंसेज में रखते थे, अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा हो आपको, R1 R2, तो उसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, अपन देख लेंगे उसे। और बोलो, डिस्कशन, डिस्पर्शन, ओके डिस्पर्शन पूरा ठीक है, ओके। डिस्पर्शन है वैसे बहुत आसान, अपन कर लेंगे ना 15-20 मिनट में, वी विल कंप्लीट द डिस्पर्शन, कोई दिक्कत नहीं, गंदे तो नहीं है यार फॉर्मूले, कोई बात नहीं, एनीवेज अपन कर लेंगे और देख लेंगे कैसा होता है, ओके ठीक है ठीक है। तो आई विल अपलोड द PDF, आप उसको एक बार एरर का जरूर देखिएगा, एंड कोई दिक्कत होती है तो मुझसे बात कर लेना, ठीक है, ओके बच्चा। तो अपन क्लास आज खत्म करते हैं यहीं पर ही।